नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। आप लोगों के सामने हाजिर हैं आज के सभी मुख्य समाचार, बड़ी खबरें लेकर के, जहां पर दोस्तों जानेंगे एक एक करके देश दुनिया के ताजा समाचार। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोले, फासीवादियों के हाथ में है न्यूज मीडिया, नफरत फैलाकर देश को कर रहा है कमजोर। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के न्यूज मीडिया का ज्यादातर हिस्सा फासीवादियों के हाथों में है और नफरत फैलाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो अब वीडियो के जरिए लोगों के साथ अपने विचारों को रखेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये बात कही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि आज के समय में भारतीय न्यूज मीडिया का बड़ा हिस्सा फासीवादी ताकतों के हाथों में है और उनके हितों के लिए काम कर रहा है। लगातार नफरत से भरी और गलत खबरें टीवी चैनल पर चल रही हैं, व्हाट्सएप पर झूठ और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। झूठ के इर्द गिर्द तैयार किया गया ये नैरेटिव भारत को तोड़ने और कई हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से गोदी मीडिया को लिया है निशाने पर। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चले, काफी समय तक कांग्रेस ने टीवी चैनल्स का बायकॉट भी किया था और अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दिए थे टीवी चैनल्स के डिबेट में। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने मीडिया पर बोला है हमला। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले, गहलोत सरकार के पास 109 विधायक, भाजपा का प्रयास हुआ नाकाम। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था जताई है। मुख्यमंत्री गहलोत के सरकारी निवास पर विधायक दल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले, हमारे पास 109 विधायक हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के पास 109 विधायकों का समर्थन है, हमारे सभी विधायकों ने समर्थन पत्र भी दिया है, इन्होंने भाजपा का प्रयास नाकाम कर दिया है राजस्थान के अंदर। ये यहाँ पर कहना है सुरजेवाला का। तो वही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, ऑपरेशन कमल सत्ता का खुला दुरुपयोग है। ये यहाँ पर कहना है एनसीपी प्रमुख शरद पवार का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि ऑपरेशन कमल सत्ता का खुला दुरुपयोग है और यह घमंड की राजनीति का परिचायक भी है। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र सरकार के बल पर राज्यों में जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को अस्थिर करने का जो खेल खेला जा रहा है वह बहुत ही घातक खेल है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल किसी भी परिस्थिति में सफल नहीं होने वाला है। पहले 3 महीने में हमारी सरकार गिरा देने की बात करते थे, फिर 6 महीने में, और अब कहते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार गिरा देंगे, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ये यहाँ पर कहना है एनसीपी प्रमुख शरद पवार का। और उन्होंने कहा है कि सत्ता आपको जनता ने दी है, इसे मर्यादा से चलाना चाहिए, ना कि दर्प और घमंड से। ये यहाँ पर पवार ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि ऑपरेशन कमल सत्ता का खुला दुरुपयोग है। अगर आप लोग भी दोस्तों जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं बीजेपी के द्वारा की जा रही खरीद फरोख्त की राजनीति का, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वहीं दोस्तों एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी समेत 5 बड़े नेताओं ने की है सचिन पायलट से बात, जयपुर जाने को कहा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर जो संकट था वो फिलहाल के लिए अभी तो हटता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 से अधिक विधायकों की परेड करवाकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस बीच अब सचिन पायलट को मनाने पर काफी जोर दिया जा रहा है ताकि कुनबा पूरी तरह से ना टूटे। सचिन पायलट से 5 बड़े नेताओं ने यहां पर बात की है, इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और पी चिदम्बरम शामिल हैं। सभी ने अब सचिन पायलट को जयपुर जाने को कहा है ताकि स्थानीय लेवल पर आगे की बातचीत हो सके। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं,
पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। आप लोगों को बताते चले, असम भाजपा के विधायक शिलादित्य देव ने उपेक्षा और नेताओं पर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अक्सर कई मुद्दों पर अपने द्वारा बयान देकर बराबर सुर्खियों में रहने वाले विधायक ने कहा है कि पार्टी में सीनियर नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वह अगले साल विधानसभा चुनाव तक बतौर विधायक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने शेयर किया कोरोना का ग्राफ, पूछा क्या भारत अच्छी स्थिति में है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। कोरोना के हर रोज बढ़ते केस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चार्ट शेयर करते हुए सवाल पूछा है कि क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत सही पोजीशन में है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार कोरोना मामलों को लेकर के सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आगे दोस्तों जान लेते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की दुनिया के कई देशों में कोविड के संक्रमण में बढ़ोतरी से तुलना करने वाला एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया है कि क्या कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में भारत अच्छी स्थिति में है। राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर किया है उसमें दक्षिण कोरिया, अमेरिका, भारत और न्यूजीलैंड में साप्ताहिक आधार पर एवरेज डेली केसों का जिक्र है। इस चार्ट में भारत का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता दिख रहा है। भारत से अधिक संक्रमण की रफ्तार अमेरिका में है, लेकिन साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड में स्थिति काफी कंट्रोल में है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य मंत्रालय लिया गया। सिंधिया के लोगों को मिले हैं काफी महत्वपूर्ण विभाग, तो भाजपा में शुरू हुआ जबरदस्त विरोध। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा हो गया है, जिसके बाद बीजेपी के अंदर जबरदस्त फूट पड़ती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर। क्योंकि यहां पर आप लोगों को बताते चलें, सिंधिया के करीबियों को मिले हैं काफी महत्वपूर्ण विभाग, जिसके बाद भाजपा में जबरदस्त विरोध हुआ है शुरू। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, दिल्ली की 15% आबादी में फैल चुका है कोरोना, घर घर सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राजधानी के 20,000 घरों में हुए सीरो सर्विलांस सर्वे के नतीजे आ चुके हैं। इसके मुताबिक सैंपल में से करीब 10-15% कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोग हो सकते हैं, यानी कि दिल्ली की करीब 15% आबादी को कोविड 19 हो चुका है। यह सर्वे आप लोगों को बताते चले 27 जून से 5 जुलाई के बीच दिल्ली के सभी जिलों में हुआ था। आबादी के कितने हिस्से में कोरोना फैला हुआ है यह समझने के लिए पूरी कवायद की गई थी। ये यहां पर दोस्तों एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, बिहार को अब भगवान ही बचाए। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला जोरदार हमला, सूबे में कोरोना के केस 17,000 के भी पार पहुंचे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो को ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि पटना एम्स के फुटपाथ पर लेटा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, सरकार, प्रशासन और अस्पताल कोई भी नहीं सुन रहा है। बिहार में कोरोना के हालात बहुत ही भयावह हैं, आने वाले दिनों में स्थिति बेकाबू होने वाली है, सरकार जांच नहीं कर रही है और अगर कर भी रही है तो आंकड़े छुपा रही है, बिहार को अब भगवान ही बचाए। ये यहां पर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जोरदार हमला किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर तंज, का असफलता छुपाने के लिए खिलवाड़ लगातार है जारी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार के वीकेंड लॉकडाउन पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और सरकार अपनी असफलता छुपाने के लिए जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रियंका गांधी ने पिछले 3 दिनों में सामने आए नए मामलों का जिक्र करते हुए ये ट्वीट किया है। आप लोगों को बताते चले, लॉकडाउन के वीकेंड
बेबी पैक का लॉजिक अब तक किसी को भी समझ नहीं आया। अपनी असफलता छुपाने के लिए खिलवाड़ लगातार जारी है और मर्ज बढ़ती ही जा रही है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से लिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर और किया है बड़ा हमला। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत